अली साहब तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अदाकार असद ने बड़ा ठीक कहा था कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ का सपोर्टर होना बिल्कुल इसी तरह है जैसे भारत में मुसलमान होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, जहाँ पर उन्होंने उनके हाथों में हथकड़ियाँ बांधी तो शख्स ने कहा कि आपने तो मेरे हाथ में हथकड़ी बांधी है, अगर ये हथकड़ी आप मेरे गर्दन में भी बांधे तो तब भी मैं कहूँगा कि इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। इमरान खान साहब ने कहा था कि जब शऊर का जिन बोतल से बाहर निकल आए तो फिर वापस नहीं जाता। और दूसरी मरतबा इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि जिस नज़रिए का वक्त आ जाता है तो उस नज़रिए को दुनिया की कोई ताकत पर नहीं रोक सकती। ज़ोर ज़बरदस्ती आप लोगों को किसी ख़ास वक्त तक के लिए डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, मगर ये एक स्प्रिंग की मानंद है। जब आप एक स्प्रिंग को दबाते हैं तो फिर वो उसी ताकत से वापस दोबारा उठ कर आती है। और यही हाल अब अवाम का है कि अवाम को आपने दबाया, ज़ोर ज़बरदस्ती उनको मारा धमकाया, मगर जितना आपने अवाम को मारा, उनको डराया धमकाया, उसी तरह उनकी आंखों से खौफ निकल चुका है। और अब उनको मालूम हो चुका है कि जितना मार तो उन्होंने खाना था वो खा लिया, अब अगर हम डर के अंदर बैठ जाएंगे, अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो शायद हम फिर सारी ज़िंदगी इसी तरह ग़ुलामों की तरह रहेंगे। तो आगे अब इन लोगों को कंट्रोल करना और इनके नज़रिए को कंट्रोल करना अब इनके बस की बात नहीं है। आज हो या कल हो, अब ये लोग अपनी किस्मत का फैसला खुद करेंगे और अब आप इन लोगों की किस्मत के फैसले मजीद नहीं कर सकते। आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।